नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। साधारणतः पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार दिखाई पड़ना चाहिए, किंतु कभी कभी अपवाद स्वरूप चंद्रमा के पूर्ण बिंब पर धनुष या हाशिय के आकार की काली परछाई दिखाई देने लगती है। कभी कभी यह छाया चांद को पूर्ण रूप से ढक लेती है। पहली स्थिति को चंद्र अंश ग्रहण या खंड ग्रहण कहते हैं और दूसरी स्थिति को चंद्र पूर्ण ग्रहण या खगास कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है अब हम आपको बताएंगे। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। उपग्रह होने के नाते चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष तल पर पृथ्वी का लगभग एक माह में पूरा चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष तल एक दूसरे पर 5 डिग्री का कोण बनाते हुए दो स्थानों पर काटते हैं। इन स्थानों को ग्रंथि कहते हैं। साधारणतः चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूरज की सीधी रेखा में नहीं आते हैं, इसलिए पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, किंतु पूर्णिमा की रात को परिक्रमण करते हुआ चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष ऑर्बिट के समीप पहुंच जाए और पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक एक सीध में हो तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पर सदा ऐसी स्थिति नहीं आ पाती, क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा के अगल बगल होकर निकल जाती है और ग्रहण नहीं लग पाता। चंद्र ग्रहण लगने की 2 अनिवार्य दिशाएं हैं। चंद्रमा पूरा गोल चमकता हो और यह पृथ्वी के ऑर्बिट के समीप अधिक हो। अब हम आपको बताएंगे परछाया और उपछाया क्या होती है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और गोल है, इसलिए पृथ्वी की परछाई 2 शंकु बनाती है। परछाई के एक शंकु को परछाया तथा दूसरे को खंड छाया या उपछाया कहते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाया पड़ने से ही ग्रहण लगता है, क्योंकि यह छाया सघन होने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कभी चांद को आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से ढक लेती है। यह स्थितियां क्रमशः अंश ग्रहण तथा पूर्ण ग्रहण कहलाती है। अंश ग्रहण कुछ ही मिनटों तथा पूर्ण ग्रहण कुछ घंटों तक चलता है। चंद्रमा परिक्रमण करते हुए आगे बढ़ जाता है और पृथ्वी की छाया से मुक्त होकर फिर से सूर्य के प्रकाश से प्रतिबिंबित होने लगता है। चंद्रमा एक स्थान से पश्चिम से पृथ्वी की परछाया में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम इसका पूर्वी भाग परछाया में जाता है। दूसरे स्थान तक पहुंचने में चंद्रमा को 1 घंटा 1 मिनट लगता है और तीसरे स्थान तक 2 घंटे 42 मिनट। इस प्रकार परछाया के केंद्र में पहुंचने के लिए चंद्रमा को लगभग 2 घंटे और मुक्त होने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। परछाया से निकलकर चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करता है, किंतु इसके प्रकाश में कोई विशेष अंतर नहीं आता। औसतम प्रति 10 वर्षों में 15 चंद्र ग्रहण घटित होता है। 1 वर्ष की अवधि में अधिक से अधिक 3 और कम से कम 0 चंद्र ग्रहण लगते हैं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा एकदम काला न दिखाई देकर धुंधला लाल या तांबे के रंग का दृष्टिगोचर होता है। यह प्रकाश चंद्रमा से प्रतिबंधित नहीं होता, वरन सूर्य का होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के विपरीत भाग के वायुमंडल से परिवर्तित होकर परछाया में प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण ग्रहण की अवस्था में चंद्रमा धुंधला हल्का लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।